ठीक है। और बेसिकली इस एग्जांपल को मैंने आज से करीब 3 साल पहले देखा था। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी, एक स्कूल का फॉर्म था, तो स्कूल के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया था काफी साल पहले। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें एक चीज चाहिए कि जब वो रोल नंबर डाले तो स्टूडेंट का डिटेल्स तो आ ही है, साथ में उसका पिक्चर भी वहां पे लुकअप हो। मतलब कि एक डेटाबेस है जहां पे इसका डेटा है, उस पर्टिकुलर सारे स्टूडेंट का डेटा है। तो हम वीलुकअप से डेटा तो आसानी से उठा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पिक्चर को कैसे उठाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट लुकअप तो होता नहीं है। तो उन्होंने स्कूल वाले ने क्या कर रखा था कि एक एक सेल में, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से, ये हम उनके रोल नंबर थे, और उसके सामने एक एक सेल में हमने बोला कि एक एक पिक्चर को आप रख लें। ठीक है, मैं कुछ पिक्चर डालता हूँ, कुछ ऐसे ही सैंपल पिक्चर डालता हूँ आपके साथ। मैं ऑब्जेक्ट ही लेता हूँ पिक्चर की जगह पे। कलर चेंज कर देता हूँ, पिक्चर में ऐसे ही होता है ना सर। तो पिक्चर को उन्होंने इस तरीके से, जितने भी स्टूडेंट थे उनके रोल नंबर का आगे उनके पिक्चर, इसी तरीके से उन्होंने रख दिए थे। अब बात यह थी कि दूसरे सीट पे एक एरिया था, उस एरिया पे पिक्चर को शो करना था। मनीष गुप्ता जी, समझ में आया कि हमें करना क्या था? मनीष जी, मैं सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो, हेलो, यस सर। बोला, समझ में आया प्रॉब्लम क्या था? हेलो, हाँ सर, समझ में आया कि हमें करना क्या था? हाँ सर, बिल्कुल। तो हमारे सीट, दूसरे सीट पे, सीट नंबर 2 पे इस तरह से इनकी नंबर्स डले हैं और इनके तरह से उनके ये डले हैं, तो इस तरह से थे रोल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ओके okay। तो कैसे करें, क्योंकि एक्सेल में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि हम यहाँ रोल नंबर लिखें और रोल नंबर लिखते ही हमें यहाँ पे उसका पिक्चर को लुकअप करने का हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है। समझ गए? हाँ सर, ओके, इमाद जी भी आए हैं, मैं इमाद जी को एक्सप्लेन कर लेता हूँ हम क्या सीख रहे हैं। इमाद जी, हम सीख रहे हैं पिक्चर को लुकअप करना। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पेस्ट एज ए पिक्चर पढ़ाया था, तो पेस्ट एज ए पिक्चर का ही हम थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं, जिसमें हम पिक्चर लुकअप की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास सीट 2 में हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं। हेलो, हाँ मैं मेल कर चुका हूँ आपको, नहीं मिला? स्काइप से नहीं होगा सर, गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। आप मेल चेक कीजिए अपनी, उस मेल पे लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन।
तो यहां पे देखिए यूनिक नंबर है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है मैच का। तो मैच फार्मूला क्या करता है, हेलो सर आज कौन सा टॉपिक है, अभी ये अभी स्टार्ट हुआ है ना सर? हाँ अभी। तो यहाँ पे मैं मैच फॉर्मूला के जरिए हम सी टू में पोजीशंस निकालेंगे कि एक कि जो हमारा रोल नंबर है, यहाँ पे जो हम रोल नंबर लिख रहे हैं 111, इसका रो नंबर क्या है, इसका रो नंबर 1 आया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एड्रेस का, एड्रेस एड्रेस फॉर्मूले की मदद से इसमें हम रो नंबर एंड मैं कॉलम नंबर लिखूं तो ये उसका एड्रेस बता देता है। ठीक है, तो इसने इसका v1 बता दिया, लेकिन v1 जो है c2 का v1 है, तो उस केस में मैं यहां पे c2 और a दे देता हूं और इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं b1 को, तो एग्जैक्ट एड्रेस a होना चाहिए b1। तो जैसे मैं यहां चेंज करता हूं 112 करता हूं तो यहां पे इस मैच क्या करता है, इसको 2 कर देता है, एड्रेस इससे b2 कर देगा, यहां पे c2 b2 हो जाता है। तो प्रॉब्लम आती है कैसे इसको लिंक करें, तो जो एक पहली पिक्चर है उसको हम कॉपी करते हैं और सीट 1 पे जहां पे रखना है वहां पे आके पेस्ट के स्पेशल में हमारा यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक होता है। ये क्या करता है, पिक्चर के साथ साथ उसका लिंक भी क्रिएट कर देता है। तो हमें यहां पे पिक्चर का लिंक हमारा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये b1 से फिक्स है, मतलब कि b1 को यहां पे हम b2 कर दें तो ये b2 का पिक्चर दिखाएगा, 2 को हम 3 कर दें तो 3 का पिक्चर दिखाएगा। ये बात जी समझ में आया आपको? ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि ये डायरेक्ट इसको पिक नहीं करेगा, जो फॉर्मूला में यहां लगाया है ये फॉर्मूला इसके अंदर नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने मैच फॉर्मूला लगाया। मैच फॉर्मूला इसको ढूंढ के इसका रो नंबर बता दिया, एड्रेस इस रो नंबर और कॉल नंबर में पता है कि दूसरा कॉलम है तो मैं 2 डाल दिया, तो एड्रेस बना दिया और सी टू से इसका हम सी टू लिख दिए मैनुअल, तो अटैच कर दिया। और कॉन्करेंट क्या करता है, कंबाइन करता है, मतलब कि दो सेल वैल्यू को आपस में कंबाइन करने के काम कॉन्करेंट करता है। जैसे मैंने किस दो अलग अलग सेल में मैंने सुधीर और यहां पे मैंने कुमार लिख दिया, तो इन दोनों को एक सेल में ज्वाइन करना है, तो उस केस में हम एंड परसेंट के साथ करते हैं विद फॉर्मूला। तो अभी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट इसमें अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक है वो पिक्चर लिंक हमारा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब कि फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन नेम लेता है। तो देखिए जैसे कि हर सेल को हमने सेलिंग एड्रेस में बताया था, मनीष जी शायद उस क्लास में आप भी थे, कि जो हमारा सेल का एड्रेस है उस एड्रेस को हमारा एक एड्रेस होता है C1 B1 E1 होता है। जैसे कि मैंने एक एरिया ले लिया, इस एरिया को ले लिया, तो सिस्टम इसको C9 से E17 मानता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया को हम डिफाइन नेम के जरिए फॉर्मूला वार में डिफाइन नेम होता है, इसको एक अपना नाम दे सकते हैं, जैसे कि इसका नाम डाल दिया TT, तो अब सिस्टम इसको TT के नाम से जानता है, ऐसे डिफाइन नेम कर सकते हैं। तो मैं डिफाइन नेम किया यहां पे डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम में मैंने लिख दिया PIC में पिक्चर, और यहां जो देख रहे हो वहां पे मैं इसको रेफरेंस ले लिया। अब प्रॉब्लम है कि अगर इसको रेफरेंस लेते हो तो ए इस सी
टू बी टू को नहीं समझेगा, एक तरह का टेक्स्ट समझेगा, इसको ये नहीं समझेगा कि भाई एक रेफरेंस है, मतलब कि एक सेल एफ सीट के अंदर एक सेल का एड्रेस है, बी टू का एड्रेस है, ये नहीं समझेगा। तो इस चीज को समझाने के लिए कि भैया जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डी टू के अंदर में वो सी टू का बी टू का सेल एड्रेस है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके कर देते हैं। अब ये जो यहां पे देख रहे हो ना बी थ्री, इसको हटा के आप पी आई सी लिख दीजिए, पिक्चर का जो नेम आपने डिफाइन किया था वो लिख दीजिए। अब इससे क्या होगा, जैसे मैं यहां पे चेंज करूंगा 11 तो ये ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। इमाद जी और मनीष गुप्ता जी, कोई डाउट इसमें आपको? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बार सर वो मतलब वो आपने जो दिखाया था नेटवर्क का प्रॉब्लम से दिखाई नहीं दिया, जो बॉक्स में इनडायरेक्ट कुछ लिख रहे थे सर। हाँ, मैंने क्या किया कि डिफाइन नेम पे गया, और डिफाइन नेम पे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, जैसे पीआईसी नाम दे दिया, जो भी नाम करना चाहते हो, और यहाँ हमने इनडायरेक्ट के अंदर इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि सबसे सी बात है कि इसको नाम नहीं समझता है, तो इसको समझाने के लिए हमने किया। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझ में ना आया हो, चलिए मैं आपको एक अनोदर एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास दो तरह की समरी आई है, एक समरी है मैंने एक सेल्स की समरी है जो कि है नेम वाइज, ठीक है, और इस पे हम एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट चार्ट, ठीक है, और एक हमारे पास सेल्स है वो मंथ वाइज है, और यहां पे हमने सेल्स कर दिया। चार्ट कौन सा बटन में जाकर मिलता है सर? डेटा को सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे, और जो चार्ट चाहिए वो चार्ट पे सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ओके सर। तो मैंने दो रिपोर्ट्स फॉर्मेट बनाए हुए हैं, एक हमारा नेम वाइज है, दूसरा हमारा डेट वाइज मंथ वाइज। अब जैसे कि एक हमारा जहां पे शो करना है, मैं यहां पे अगर नेम लिखूं तो नेम वाइज रिपोर्ट आने चाहिए, अगर मैं यहां पे सेल्स लिखूं तो सेल्स सॉरी क्या बोलते हैं मंथ लिखूं तो मंथ वाला आना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आप लंबी फॉर्मूले और बीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करोगे, और करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल है यहां पे कि आप डेटा में जाए, इसका जो एरिया है इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए आप पेज लेआउट पर जाए, और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ग्रीन लाइन, इसमें जो व्यू है इस व्यू को यहां से अनचेक कर दें। ठीक है, देन मैं इसको कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर कर देता हूं। एक हमें पेस्ट पिक्चर करना पड़ेगा, एक ताकि लिंक, हाँ वन टाइम एक लिंक जनरेट करने के लिए।
तो अब क्या हुआ कि अब इसका दोनों का नाम डिफाइन करते हैं, इसका नाम हमारा नेम है, तो मैं फॉर्मूला में डिफाइन नेम इसका नाम नेम रख देता हूं, और इसका मंथ है इसका नाम हम मंथ रख देते हैं, जो लिस्ट में जो वहां लिखिएगा वही नाम रखिएगा, ठीक है। कहां से? डिफाइन नेम से ओनली इसका मंथ सर, ओनली पिक्चर एरिया का डेटा, आपको डेटा शो करना है डेटा भी सकते हैं, सिर्फ पिक्चर को शो करना, चार्ट को शो करना, ओके ओके, जितने एरिया को शो करना है उतना है, ठीक है। तो मतलब कोई भी कंटेंट हो, पिक्चर देखिए आ रहा है, अगर मैं इस पे मंथ शो किया एम ओ एम टी एच मंथ लिख के एंटर मारा तो मंथ वाइज आ गया। मैं यहाँ पे अगर नेम लिखू एंटर मारो तो नेम वाइज जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इससे लिंक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम सेम एक और डिफाइन नेम देंगे, और जैसे कि हमने एसएच का नाम दे दिया एसएच, और यहां पे मैं दूंगा फॉर्मूला इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओके, और इसके अंदर हम इस मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके ठीक है, एंड ओके। अब यहां पे नेम देते हैं तो नेम दा, नहीं हो नेम बजता है ही, नाम दीजिएगा मंथ, मंथ बज नहीं। अच्छा हाँ, यहां पे तो मुझे एसएच करना पड़ेगा ना, एसएच अब मंथ या मंथ वाइज एंड नेम होगा नेम वाइज। इसको और बेटर करने के लिए आप डेटा रिलेशन के अंदर जाए, डेटा मेनू बार में डेटा रिलेशन, और इसमें हम लिस्ट को सिलेक्ट करके यही पे हम रिजेक्ट नेम कॉमा ड्रॉप डाउन लिस्ट मंथ, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, ओके हेलो यस। हाँ जी, अभी जो मेल किया वो लेटेस्ट मेल देखिए सर, अगर पुराना मेल देखा आपने, ठीक है, तो यहां पे अब मंथ सेलेक्ट किया तो मंथ वाइज, नेम सेलेक्ट किया तो नेम वाइज। सर एक चीज बताइए, हेलो बोलिए मनीष जी, सही जो अपने एस एच नेम दिया था वो हाँ। पिक्चर रेफरेंस था या फिर मतलब किस किसके लिए, किस बेस के लिए दिया था अपने? मैं बताता हूँ आपको, जितने भी एरिया है उस सबको नाम आप दोगे, बिल्कुल उसकी लिस्ट क्रिएट करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे कैसे आएगा, क्योंकि पिक्चर जो एड्रेस बार के अंदर इज इक्वल टू एसएच जो आ रहा है अपना, क्योंकि पिक्चर जो लिंक होगा वो तो इससे होगा ना, यहाँ से होगा ना, तो जो लिस्ट आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ कैसे चेंज होगा, तो इसको चेंज करने के लिए हमने एक नया नाम, नया जो है ये बनाया, क्या बनाया, एक नेम बनाया, तीसरा नेम बनाया, ठीक है ओके। जिसको हमने हमने बोल दिया कि भाई यहां से लिंक है, जिसको हम इससे लिंक कर दिया, ओके ठीक है। तो हमने इनडायरेक्ट लगा दिया, तो जो यहां मंथ लिख रहा है वो सीधे मंथ को रेफर करेगा, नेम लिखेगा तो इनडायरेक्ट सीधे नेम को रेफर करेगा, ओके 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 समझ गए, ओके। तो इस तरीके से इसका हम शो करते हैं, तो इस तरह से कंडीशनल्स आप डेटा को शो करते हैं यूजिंग द पिक्चर लिंक, जो पिक्चर लिंक मैंने आपको बताया उस पिक्चर लिंक की मदद से, समझे? यस। तो पिक्चर लिंक एक चीज हो रही है, बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये जो अपने सीट वन के अंदर जो अपने एड्रेस लगाया है C2 में, ये किस लिए लगाया था अपने? देखिए हुआ क्या था, ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं चौथा नंबर एग्जांपल जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या था कि हमने डिफाइन अलग अलग नेम हमने डिफाइन कर लिया था,
बिल्कुल लेकिन इसमें पॉसिबल क्या है कि आपके पास 10 है तो ही आप इसको अब यूज कर पाओगे। अगर 500 हजार हुआ बिल्कुल तो 500 हजार नेम आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, तो फिर सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल हमारे सी टू में जो हमारे पास पिक्चर्स है, ये जो सैट की तरह है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का पिक्चर्स है। अब एक एक कॉलेज में हो सकता है कि लाखों स्टूडेंट को, हजारों स्टूडेंट को, बिल्कुल 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 तो सबको नेम डिफाइन करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, बिल्कुल सेल के हिसाब से रखा। हमने सेल को पिक्चर के साइज इतना बड़ा कर दिया, उसमें पिक्चर को रख दिया, उसके आगे हम अपना सेल नंबर दे दिया, ठीक है, उसका जो रोल नंबर है। अब क्या हुआ कि हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला होता है, तो मैच का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी नंबर को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ढूंढता है। जैसे कि इसने इसको ढूंढा यहाँ, और ढूंढ के बताया कि जो नंबर दिया हुआ है उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 1 2 3, थ्री तो इसने 3 दिया। तो मैच हमने कैसे लगाया, मैच A2 किसको ढूंढना है, 113 को किस में ढूंढना है, तो C2 के A कॉलम में, बिल्कुल और 0 मतलब कि एग्जैक्ट मैच करना, ओके ये नंबर दे दिया। तो अब नंबर दे दिया तो इसका हमें कॉलम नंबर भी तो चाहिए, बिल्कुल B3 B4 भी तो चाहिए। इसके लिए हमने एड्रेस का फॉर्मूला लगाया, और एड्रेस का फॉर्मूला ने क्या किया कि कॉलम नंबर 2 के साथ मिलके इसने B2 C2 इस तरह से नंबरिंग सिस्टम, यानी अल्फा अल्फा न्यूमेरिक में वाला सिस्टम दे दिया। सर एक बार इस पे C2 पे तो कर्सर लेके आना B2 एड्रेस रो B2 एवरी कॉलम, रो एंड कॉलम देना है, ठीक ओके ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉब्लम ये है कि B3 जो है वो सिर्फ इसका तो नहीं है ना, मतलब कि B3 अगर आप करते तो इसी सीट का B3 मानेगा, तो कितना देगा सीट का B3 है। तो हम ज्वाइन बिल्कुल फैसिलिटी से हम सी टू के इसके साथ ज्वाइन करके एक एड्रेस, एक सही तरीके का एड्रेस क्रिएट कर देता, ठीक है। अब ये एड्रेस डायरेक्ट यहां पे तो नहीं जा सकता था, इसलिए हमने एक नेम, एक अलग नाम डिफाइन किया PIC का, और उसके अंदर हम इसको सेलेक्ट किए, और जाहिर सी बात है कि इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो हमने बिल्कुल इनडायरेक्ट फंक्शन इस्तेमाल इनडायरेक्टली किए। ठीक है, ठीक तो इस एग्जाम्पल के जरिए हमने आपको सिखाया कि हाउ कैन लिंक द पिक्चर, कि पिक्चर को आप कैसे लुकअप करोगे। इमारजी को डाउट, नो सर, नो सर, थैंक ओके। अब चलिए कुछ ट्रिक्स और दिखा दें। अब जैसे कि ये आपको फॉर्मेट मेनू दिख रहा है, फॉर्मेट पॉइंटर दिख रहा है, तो फॉर्मेट पैनल में जैसे बाद में क्लिक करते हो, सेम फॉर्मेटिंग जहां क्लिक करके छोड़ोगे वहां पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्रिक्स और भी है, क्या कि अगर मान लीजिए कि मुझे एक जैसा ही फॉर्मेटिंग सब जगह अप्लाई करना हुआ तो कई सारी जगहों पे, तो हर बार जो क्लिक करना है फिर हर बार क्लिक करके ऐसे करेंगे, इसी पे डबल क्लिक कीजिए और जहां जहां चाहिए वहां क्लिक कीजिए, अपना ऑटोमेटिक आपका वो हटेगा नहीं, जब तक कि वापस इस पे क्लिक नहीं करोगे तब तक वो हटेगा नहीं। एक और चीज है, उसके लिए मुझे एक डेटा बनाना पड़ेगा, एक एग्जांपल और है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके ऑफिस में क्या है कि कोई डेटा आता हो, जैसे मेरे पास कुछ डेटा यहाँ पे है, जैसे मंथ वाइज डे वाइज आता है, आप डेटा को कोलेट करते हो, एक के नीचे एक पेस्ट करते हो ना, उसी का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। सर आपका वो जो नाम सर ड्रॉप डाउन करना कैसे आ जाता है? एक जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट। इस कस्टम लिस्ट को आपको क्रिएट करना होता है। एक कस्टम लिस्ट मिलता कहाँ है, फाइल मेनू बार के ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस में एडवांस में आप जाओगे, सबसे नीचे अगर आओगे तो
ये भी मिलेगा आपको एडिट कस्टम लिस्ट, इसी में जाके आप अपना लिस्ट तैयार कर लीजिए। ओके अच्छा अच्छा समझ गए, लाइक वीक वाइज मंथ वाइज। हाँ नहीं वीक मंथ बाद और 20 होता है, इसमें दिल्ली सिटी लगा लगा रिपोर्ट। इसका फायदा क्या होता है कि कभी आपको ऐसे लिस्ट बनाना है तो आपको बार बार वो लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मुझे याद है। और ये रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं रैंडम नंबर क्रिएट करने के लिए। सर जब अपन रैंड बिटवीन यूज करते हैं तो कई बार ये डुप्लीकेट वैल्यू शो करते हैं, ऐसा क्यों? रैंडम नंबर तो होता ही है ना, रैंडम यूनिक नंबर थोड़ी है। ओके समझे ना, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं अपन रैंडम के लिए? मैंने 1 से लेकर 90 के बीच में हमने दे दिया और मैंने 500 जगह पे पेज कॉपी पेस्ट कर दिया, तो पॉसिबल है कि यूनिक नंबर देगा? ऑब्वियस ही बात है, इसलिए फैसिलिटीज फैसिलिटीज रखी गई है। ठीक है, अब मेरे पास जो है तकरीबन यहाँ पे डेटा आ जाता हूँ, 6 सीट है और 6 सीट में डेटा है हमारा। अब मुझे 6 सीट का डेटा को कॉपी करके एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। ओके समझ गए। तो जनरली आप लोग क्या करते हो कि आप लोग मैनुअल प्रोसीजर में क्या करते हो कि सीट वन पे जाते हो, सिलेक्ट करते हो, कॉपी करते हो, फिर डेटा पे आते हो, यहाँ पर पेस्ट कर देते हो। हाँ सर। फिर अगली सीट पे जाते हो, डेटा को सिलेक्ट करते हो, फिर इस डेटा कॉपी करते हो, इस पर्टिकुलर डेटा पे आते हो और सबसे नीचे आके इस पे वापस पेस्ट कर देते हो। हाँ सर, वो तो करते हैं। ठीक करते हैं ना सर, ऐसे ही करते हैं। चलिए, तो इसमें हम आपको एक 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 कंसेप्ट बताएंगे जिससे आपका आधा काम कम हो जाए। आप ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इस क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जस्ट आप कॉपी करते चले जाइए, जैसे आप कॉपी करेंगे यहां पे आपके साथ ये ऐड होता चला जाएगा। ओके, बस सिलेक्ट करना है एंड कॉपी करना है। सिलेक्ट किया कॉपी, सिलेक्ट किया कॉपी, सिलेक्ट किया एंड अगेन कॉपी। ठीक है, जब सारा कॉपी हो जाए और यहां पे देखिए 6 of 24, एक बार में आप 24 ही कॉपी कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है सर। हाँ सर, 24 टाइम्स मैं तक कर सकता हूँ, 24 पेज। 24 कंट्रोल सी। ओके ओके। समझ गए। ओके सर। और फिर जहां पेस्ट करना है वहां पे जाइए, कर्सर रखिए और यहां पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। एक ही बार में एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इससे आपका आधा 50% टाइम जो है ना वो आपका बच जाएगा। बिल्कुल सर। और सर, और जो हेडलाइन जो नेम एंड सेल बीच बीच में आ जाएगा ना सर? हाँ, नेम नेम एंड सेल मुझे तो नहीं चाहिए। मत कॉपी कीजिए, सिलेक्शन ही नहीं करना अपने उसका। हाँ, कॉपी मत कीजिए ना। ठीक है सर। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्सेल में ही। हाँ, सिलेक्ट ही नहीं करोगे कहाँ से है? ये सिर्फ एक्सेल में वर्क नहीं करता है, जैसे कि आपने गूगल पे जाके कुछ सर्च किया और फिर उस सर्च रिजल्ट में से मुझे कुछ चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया दिल्ली सिटी, दिल्ली कर दिया सर्च, कुछ सर्च कर दिया, इतना सा रिजल्ट आया ना, और मुझे इस सारे रिजल्ट के एड्रेस पर कॉपी पेस्ट करना है। तो आप कॉपी करोगे पेस्ट करोगे कॉपी करोगे पेस्ट करोगे तो टाइम लग जाएगा ना इसकी वेबसाइट को। तो अगर मैं इसकी क्लिप बोर्ड ऑन कर दूं और फिर जाके कॉपी करूं तो इसको भी पिक पकड़ेगा।
कंट्रोल कॉपी 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 ठीक है। अब देखिए यहां पे आ गया ना, जहां पेस्ट करना है कर्सर रखिए इंस्टॉल। और इसका एक खासियत है कि एक ही चीज को दो बार आप कॉपी करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक ही रखिए आप। ओके, जैसे कि मैंने इसी को कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया, कॉपी देख ले बढ़ रहा है, मैं कंट्रोल सी करते जा रहा हूं लेकिन जस्ट करते से चेंज नहीं हो रहा, एक ही है। तो इसमें ए सिक्योरिटी भी है कि जो हम कॉपी कर रहे हैं वो सिंगल ही कॉपी हो रहा है, मतलब कि एक ही कॉपी होगा, उसमें डुप्लीकेट नहीं आएंगे। ठीक है सर, कोई डाउट इसमें? ओके ओके, हाँ सर समझ में आ गया ना आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना? पर आप वो वीडियो भेजेंगे सर पूरा, मैं देख लूंगा और एक बार। ठीक है सर, क्लास के